हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और केवल 30 प्रश्नों में जो है हम पूरा सार यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय पे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भारतीय संविधान के किस भाग में क्या गया, भाई देखिए यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो भारतीय जो है संविधान के भाग 5 में दोस्तों जो जो है संघीय न्यायपालिका या जो हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो है क्या की गई है, चर्चा की गई। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भाग 5 की कितने दोस्तों जो है अनुच्छेद, अनुच्छेद याद रखना ठीक है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। और अगर हम बात करेंगे तो संघीय न्यायपालिका से संबंधित कितने जो है अनुच्छेद है जो इससे संबंधित है, तो भाग 5 में जो अनुच्छेद है कितने, 124 से लेके तो 147 तक, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है ये किससे संबंधित है, संघीय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनको वन बाय वन में बात कर लेता हूँ कि 124 में क्या है। 124 अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है ठीक है स्थापना की बात की गई है, ठीक है सर्वोच्च न्यायालय की जो है किसकी स्थापना की बात की गई है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 126 की अगर हम बात करेंगे तो 126 में अगर हम यहाँ पर देखें तो उसमें जो है किसकी बात की गई, कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश जो है अपॉइंट करने की बात की गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 126 जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश की जो है अपॉइंट करने की बात की गई है। वहीं पर 127 भी आपको याद रखना है, तदत्त जो है ठीक है न्यायाधीश, अगर हम बात करेंगे तदत्त जो न्यायाधीश हैं वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जो है अपॉइंट होते हैं, और याद रखना इसका प्रावधान 127 के तहत जो है किया गया है, तदत्त न्यायाधीश, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक और आपको याद रखना वो है 129। 129 की अगर हम बात करेंगे, 129 मतलब क्या, 129 ये बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख जो है न्यायालय की तरह काम करेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसके जो भी निर्णय होंगे वो सभी जो है नीचे की जो भी जो आपके न्यायालय उच्च न्यायालय है या जो हम कह सकते हैं सत्र न्यायालय है, सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो उस चीज को वहां पे जो है दिखाया जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अभिलेख जो है ठीक है, अभिलेख न्यायालय का प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो वो किया गया है 129 के तहत। फिर 130, 131, 136 ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या और संरक्षक कौन है, मतलब कौन है जो संविधान की व्याख्या कर सकता है, किसके पास वो राइट है जिसके कारण वो जो है हम कह सकते हैं कि भाई यही है संविधान का व्याख्याकार। तो भाई राष्ट्रपति नहीं है, संसद नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर, ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है, राइट है, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान 5 जो है भाग 5 में किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया, भाग 5 के अध्याय 4 के तहत जो है ये किया गया है, और आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिया 124, ठीक है। तो 124 आर्टिकल आपको याद रखना अगर आर्टिकल पूछे जाए तो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य जो है अधिकारी कौन होता है, क्या वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, क्या वो राष्ट्रपति होता है, अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च न्यायालय, तो सीधी सी बात है अभी मैंने आपको बोला था। अब यहां पर अधिकारी की बात कर दी गई कि ऐसा नहीं है कि अधिकारी बात करी तो अटॉर्नी जनरल लगा देंगे, बिल्कुल नहीं भाई, सीधी सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश और जो है न्यायाधीश होंगे, ठीक है, तो वो यहां पर क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है वही जो है क्या होगा मुख्य, उसका जो मुख्य अधिकारी होगा वही उसकी व्याख्या करेगा संविधान की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अगर हम बात करें, भारतीय जो अदालत प्रणाली है उसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसी के पास ये राइट है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, इनमें से वो कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका जो है इंप्लीमेंट हुआ, स्टेबलाइजमेंट हुआ, उसका जो स्थापना हुई। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1973 के तहत जो है की गई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें कलकत्ता में एक जो है सुप्रीम कोर्ट की जो एक स्थापना की गई थी इस एक्ट के तहत, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद अगला अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस अधिनियम के द्वारा हुई, यहाँ पर देखो वो जो है पूछा गया था किस एक्ट के द्वारा पहला जो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की गई। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो वर्तमान में उसकी जो स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत हुई है, तो 1950 की संसद के एक अधिनियम के द्वारा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके बाद अगला आपको याद रखना है, और अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला क्या है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य
न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की जो है व्यवस्था की गई थी। देखो अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे अतिरिक्त जो है न्यायाधीश की अगर हम बात करें 31 जो है 32 जो चेंज होते गए समय समय पे, लेकिन ये पूछा ये गया है कि मूल जब संविधान जब बना था उस समय कितने अतिरिक्त जो है न्यायाधीश की जो है व्याख्या जो है उसमें प्रावधान किया गया था। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जब 1956 में ये एक्ट पारित हुआ था उसमें जो है उनकी संख्या कितनी 7 की गई थी जो है, जो अतिरिक्त जो है न्यायाधीश हैं, तो वहां से बात की जाएगी 7 मूल संविधान में थी। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ 1960 में बढ़ाई गई और बढ़ा के कर दी गई 13, फिर 1978 में बढ़ाई गई और बढ़ा के कर दी गई 17, 1986 में बढ़ाई गई और 1986 में बढ़ा के कितनी कर दी गई 25 कर दी गई। 2008 में भी फिर से संशोधन किया गया 25 से 30 करी गई, याद रखना ठीक है, 25 से कितनी करी गई यहाँ पर 30 करी गई, और जो है वर्तमान में अभी 31 या जो है 33 जो है यहाँ पर अतिरिक्त जो है न्यायाधीश की संख्या है। अब अगर हम यहाँ पर देखें अगला, अगर हम बात करेंगे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान, देखो अभी आ गया क्वेश्चन सीधा आ गया। अब वर्तमान में कितना है तो मैंने आपको बताया था कि जो है 33, 31 से 33 का जो है अभी प्रावधान वर्तमान में, तो वर्तमान में अतिरिक्त अगर न्यायाधीश की बात करें 33, मूल संविधान में 7, कब कितने बढ़ाया गया मैंने पूरा आपको बता दिया। अब अगर हम बात करेंगे अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। अभी एक बार ध्यान से सुनना, पूछा यह गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है वो किसके पास राइट है कि जो है वो क्या कर सकते हैं उसमें संख्या बढ़ा सकते हैं, संसद के पास भाई ठीक है, किसके पास है, संसद के पास है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो राइट जो संसद को दिया गया है, जब हम 124 पढ़ते हैं आर्टिकल, अगर हम 124 पढ़ते हैं जिसमें उसकी गठन की बात की गई है, उसी में 124 जो है बल के तहत ये बताया गया है कि संसद के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है अतिरिक्त जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है ठीक है। हाँ तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद अगला बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, अर्हता मतलब योग्यता ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अर्हता मतलब योग्यता, कौन सी योग्यता होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात देख ध्यान से सुनो ठीक है, कम से कम 5 वर्ष तक वो किसी भी न्यायाधीश जो है न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय का ठीक है। अगर हम बात करें वो अगर वो न्यायाधीश नहीं रहा है ठीक है, तो 10 साल तक कम से कम उसने वकालत करी हो ठीक है, अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो ठीक है, वो किसी विधि वेत्ता हो, मतलब एक पारंगत विधि वेत्ता का मतलब है बहुत ज्यादा जो है विधि का उसको ज्ञान हो, तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है और इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त जो है सभी। अगला अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, देखो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, कौन करता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर हम बात करेंगे जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं ठीक है, उन अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कौन करता है, इस पे भी एक क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। देखो सीधा अगला क्वेश्चन यही है है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ठीक है वो कौन करता है, और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी सिफारिश से करता है ये भी याद रखना। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन बना है, और सीधा सा क्वेश्चन बनने के साथ साथ इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ठीक है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, किसकी जो है सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, किसकी सलाह से मुख्य न्यायाधीश। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सलाह जो है वो किसकी लेगा, मुख्य न्यायाधीश की लेगा, याद रखना ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 126 आर्टिकल 126 जो है कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है आर्टिकल 126, जिसमें ये कहा गया है कि अगर जो है मुख्य न्यायाधीश का पद जो है रिक्त है, खाली है, या वो अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो उसके जो है कर्तव्यों के पालन करने के लिए जो है राष्ट्रपति किसी जो है न्यायाधीश को क्या करेगा, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है ठीक है, तो राष्ट्रपति ही करेगा आर्टिकल 126, ये याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किससे परामर्श करता है, अगला क्वेश्चन ये है आपका ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जो अन्य न्यायाधीश अगर उनकी नियुक्ति करना चाहता है तो इनमें से किसका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के महान्यायवादी, या फिर जो है भारत के विधि मंत्री। भाई सीधी सी बात है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हीं की परामर्श से जो है वो नियुक्ति करेगा, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी कर देगा ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें सर्वोच्च न्यायालय में तदत्त जो है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस देश से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, देखो
तदत्त जो है न्यायाधीशों की बात केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के ही अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करें उच्च न्यायालयों में, तो उनमें अपर जो है न्यायाधीश और जो है अतिरिक्त जो है न्यायाधीश जो है वहां पे नियुक्त होते हैं, तदत्त न्यायाधीश वहां पर नियुक्त नहीं होते हैं। इसका प्रावधान केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन किससे लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया, याद रखना, ठीक है। कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आर्टिकल क्या है इससे संबंधित, तो आर्टिकल याद रख लेना, इससे आर्टिकल संबंधित 127, ठीक है, 127, 127 आर्टिकल के तहत तदत्त न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की जाती है। और अगर हम बात करें कि नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश ही करता है। तो अगला क्वेश्चन भी बन गया, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस जो है कौन करता है, तो याद रखना यहाँ पर हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में केवल और केवल इसका प्रावधान है। और नियुक्ति की बात करेंगे, नियुक्ति याद रखना, नियुक्ति कौन करता है, केवल और केवल अगर हम 1 मिनट, हाँ, नियुक्ति होती है जब, कब नियुक्ति होती है याद रखना, तदर्थ न्यायालय की अगर हम बात करें, तदर्थ जो है न्यायाधीश अगर हम बात करेंगे, तो तदर्थ न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कब की जाती है, वो भी कंडीशन सुन लो, जब अगर जो है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसकी जो है गणपूर्ति में कमी हो रही है, यानी कोरम में कमी आ रही है, उस समय हमें जो है उतने न्यायाधीशों की जरूरत होगी, तो उतने न्यायाधीशों के लिए तदर्थ न्यायाधीश हम जो है क्या करेंगे, उसमें नियुक्त करेंगे 127 के तहत, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो याद रखना राष्ट्रपति नहीं करता, गलती से भी नहीं लगा देना, राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि यहां पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश जो है, ठीक है, वो करता है। और याद रखना अगर हम यहां पर देखेंगे, हाँ, कौन कर सकता है, तो यहाँ पर याद रखना राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है इसको करता है। अनुमति जरूर राष्ट्रपति से होगी, लेकिन राष्ट्रपति इसको जो है नियुक्त नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है, तो भाई सीधी सी बात है, इसका सही आंसर 10, क्योंकि अभी ये योग्यता तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है, पहली बात तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में फर्क, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जबकि उच्च न्यायालय की अगर हम बात करेंगे उच्च न्यायालय में वो कितने, वो सिर्फ और सिर्फ 62 वर्ष की उम्र तक होता है। तो याद रखना अगर पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 हो जाएगा, ठीक है, और अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में वो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अगला अगर हम देखें उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है, तो 65 वर्ष है। वहीं पर अगर हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत होता है, तो इनमें से देखो यहाँ पर कहीं भी 65 दिख नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन आधारों पर, भाई देखो सीधी सी बात है, दो ही आधार होते हैं, एक होता है कदाचार, एक होता है असमर्थता, ठीक है, इन दोनों आधारों पे हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त जो है दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह का जो है महाभियोग प्रस्तावित कर सकती है। देखो संसद यहाँ पर अगर हम देखेंगे, संसद के पास यहाँ पर ये राइट है, वो क्या करेगी, बहुमत जो है, ठीक है, अपने जो है जितने कुल संख्या और जो इतने उपस्थित है उन दोनों के बहुमत से जो है क्या करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी, और उसके द्वारा जो है ये जो है महाभियोग जो है पारित होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीश की अगर हम बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें जो उसको पद से हटाने का आदेश जारी करता है वो कौन करता है, क्या मुख्य न्यायाधीश करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो है राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। भाई सीधी सी बात है, उसको पद से हटाने के लिए तो जो है आदेश जारी राष्ट्रपति ही करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध पहली बार महाभियोग लाया गया, तीन अभी तक तीन जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है जिनके प्रति जो है महाभियोग लाया गया है, जिनमें से पहली बार जो लाया गया था 1993 में, ठीक है, वो लाया गया था किसके, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के खिलाफ, ठीक है, जो कि असफल रहा था, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं और बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना मिलता है, देखो मुख्य न्यायाधीश 90,000, ठीक है, अगर बात की जाए अन्य न्यायाधीश तो 80,000, ठीक है। अब ये राशि जो है सातवें वेतनमान से जो है बढ़कर जो है 2,80 भी हो सकती है, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अतिरिक्त जो है अन्य न्यायाधीशों के लिए तो 80,000, और अगर देखें कहीं कहीं पे आपको जो है 2,250 जो है सातवें वेतनमान के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलता है।
अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अच्छा वो जो है 280 जो है वो क्या मिलता है, पूरा वेतन भत्ता सब मिला के बता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सिर्फ प्रतिमा जो वेतन है, वो वेतन भत्ते नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने आपको जो है भत्ते नहीं बताए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके काम कौन करता है, भाई भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, ये तो उसका जो है कर्तव्य है। और पहली बार ऐसा काम करने वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे वो सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते, कहां पे नहीं कर सकते भाई, कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तो ये परमिशन है कि वो जो है जिस जगह पे काम नहीं किया है या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के तो जो है न्यायाधीश को कहीं भी जो है नहीं है राइट कि वो कहीं भी जो है क्या करें वकालत करें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते। तो ये जो है 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है,